प्रोटीन्स देर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर जनरली जब हम कहते हैं कि बायो मालिक्यूल्स तो बायो मालिक्यूल्स की फोर मेजर कैटेगरीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर पाई जाती हैं फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट्स देन लिपिड्स देन प्रोटीन्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड तो इस तरह प्रोटीन्स जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्लास ऑफ द बायो मालिक्यूल्स फर्स्ट विल डिस्कस द प्रोटीन्स दे आर आक्रेंट्स केमिकल कंबे एंड द अमायनो एसड्स तो प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द बायो मालिक्यूल्स विच आर हैविंग वन आर मोर चेंज ऑफ अमायनो एसड्स अच्छा यहाँ अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन्स ये एक बड़े मालिक्यूल्स हैं और प्रोटीन्स को जो बनाने वाले मालिक्यूल्स हैं या मोनोमर्स जो हैं दे आर दी अमायनो एसड्स अमायनो एसड्स को हम यूँ कह सकते हैं कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आमतौर पर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक चेन की फार्म में प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं तो अमाइनो एसिड की चेन को हम सिंपली एक प्रोटीन कहते हैं कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल चेन है कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा अमायनो एसिड की चेन मौजूद है बेसिकली एसिड की जो चेन है इसको हम पोलीपेप्टाइड चेन कहते हैं तो सम प्रोटीन्स दे आर हैविंग ऑनली वन चेन सम आर हैविंग टू थ्री आर फोर पोलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन्स कि अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो वी आवर बॉडी हैव थाउजेंड्स ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द एनजाम जितने भी एनजाम्स हैं मोस्टली दे आर प्रोटीन्स इन नेचर और इसके अलावा हमारी बॉडी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सारे के सारा प्रोटीन का है इवन हमारे जो इंटेगोमेंट्स हैं नेल हेयर दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स मोस्ट कॉमन जो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं दे आर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजाम्स वेयर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फ्राम वेयर वी कैन गेट द प्रोटीन्स बिकॉज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं प्रोटीन्स के तो प्रोटीन्स हमारी डाइट का एक कंप्रसरी जो है वो कम्पोनेंट है हिस्सा है प्रोटीन्स को वी कैन ऑप्टेन प्रोटीन्स फ्राम मिल्क योग चीज यही डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है प्रोटीन्स पाई जाती है इसी तरह से मीट पोल्ट्री फिश एग्स तो मीट और इसे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं उसके अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं सिमिलरली सीड्स नट्स बीन्स इन तमाम चीज़ों के अंदर भी प्रोटीन्स की अमाउंट मौजूद है अगर आप फिगर में देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल दे आर ऑल हैविंग सम टाइप सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है स्पेशली जो जैसे मीट्स रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है केमिकल बेसिस ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन के केमिकल बेसिस अगर हम देखें बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक इज अमाइनो एसिड अमाइनो एसड्स बिल्डिंग ब्लॉक है और अमाइनो एसिड को जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उसमें मेनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन अच्छा यहाँ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की नस्बत हम देखें एक चीज़ का इजाफा है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपड जो हैं वो मेनली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं लेकिन प्रोटीन के केस में नाइट्रोजन जो है ये फोर्थ एलिमेंट के तौर पर मौजूद है तो प्रिंसिपल ये चार पाए जाते हैं जबकि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है तो हम ओवरऑल फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोटीन्स दे प्रिंसिपली कंटेन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जबकि सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन सम अमाउंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड को देखते हैं तो व्हाट्स इट्स स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इट्स कार्बन दैट इज द एल्फा कार्बन विद एल्फा कार्बन फोर डिफरेंट ग्रुप आर अटैच वन इज द सी डब्ल्यू एच ग्रुप दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल ग्रुप दैन देयर इज अमाइनो ग्रुप एन एच टू ग्रुप इज कार्ड अमाइनो ग्रुप देन देयर इज हाइड्रोजन एटम एंड द लास्ट वन इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर अब इसमार्प आर है ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीनस के अंदर टोटल जितने भी अमाइनोसर्स हैं वो सब एक जैसे होंगे सिर्फ आर ग्रुप के ऊपर एक दूसरे से डिफर कर रहे होंगे इन तमाम अमाइनोसर में अगर ट्वेंटी अमायनोसर प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो ट्वेंटी में से सिर्फ तीन ग्रुप सब अमाइनो एसिड के सेम है सिर्फ फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है कि जहाँ वो डिफरेंस आएगा डिफरेंट अमाइनो एसिड में यह आर ग्रुप डिफरेंट होगा तो अगर हम ओवरऑल देखें तो दे आर थाउजेंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट ऑल ऑफ देम दे आर मेड अप ऑफ ऑनली ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स तमाम तरह की प्रोटीन्स जो है, thousands हैं थाउजेंड ऑफ़ प्रोटीस हैं लेकिन उनको बिल्डिंग बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं देर आर ऑनली ट्वेंटी अमाइनो एसड्स अमायनो एसड्स अभी जैसे मैंने बताया कि तमाम के तमाम अमायनो एसड्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है द डिफ्रेंस ऑनली आरती फंक्शनल ग्रुप पोजिशन आर ग्रुप के ऊपर जो है वो डिफ्रेंस मौजूद है अब आर ग्रुप के रेफरेंस अगर हम देखें कुछ अमायनो एसड्स हैं जिन आर ग्रुप जो है वो एक जो है वो पोलर ग्रुप के फार्म में मौजूद है कुछ ऐसे हैं जिसमें ये आर ग्रुप के नॉन पोलर है ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रुप पोलर होगा दे विल बी कॉल्ड एज पोलर अमाइनो एसिड्स जिसमें नॉन पोलर होगा उसको हम नॉन पोलर कहेंगे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड में जहाँ आर ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग अटैच है तो उनको हम कहते हैं दे आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड कुछ अमाइनो एसिड वो हैं जिसमें यहाँ एसडिक ग्रुप अटैच है सो दे आर कॉल्ड एसडिक अमाइनो एसिड्स जैसे ग्लूटामिक एसिड हम एक अमाइनो एसिड का नाम है इसी तरह से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें यहाँ बेसिक ग्रुप मौजूद होता है यानी कि बेस एसिड के कंपैरिजन में बेस है तो जहाँ बेसिक मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे दियार बेसिक माइनो एसिड इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आर्जिनिन है